कराची सुपर हाईवे के बाईपास से मुंसलिक ये पंपिंग स्टेशन, जिसकी बुनियाद ब्रिटिश दौर में रखी गई, यानी हम इसे कम से कम 75 साल पुराना पंपिंग स्टेशन कह सकते हैं। हमें यहां बुलाने का मकसद इस स्टेशन में होने वाले पुरसरार वाकयात हैं, जैसे इस जगह आग के गोले नजर आना, भयानक आवाजों का सुनाई देना और यहां कायम पीपल के पुराने दरख्त, जिन्हें लोग गैर मरी मखलूकात की आमाजगाह बताते हैं। इस खौफ से लोग अब शाम के बाद इस जगह का रुख नहीं करते, हत्ता के रात में हमारे यहां पहुंचने पर भी कोई हमसे इस जगह बात करने तक आने को तैयार नहीं। आखिर वो क्या है? तकरीबन 100 साल पुराना है कराची का ये पंपिंग स्टेशन, और अगर आसपास का माहौल दिखा दें, हम उसके करीब पहुंच गए। जगह यहाँ पर है सीधे हाथ पर जहाँ हमने जाना है, और उसके सामने एग्जैक्ट सामने ना ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टीले बने हुए हैं गोबर के। शायद आसपास बहुत सारे बाड़े होंगे, फार्म्स होंगे, लेकिन वो सारा अपना गोबर जो है ना यहाँ पर आके डंप कर रहे हैं। देखना पहाड़ियाँ बनी हुई बन गई हैं सारी। और मैं आपको हद्दे निकाल दिखा दूं कि अभी मगरिब हुई है, अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ, मतलब अभी 6:15 हो रहे हैं, 6:20। और आप देख ले इस माहौल देख ले यहाँ का। ये तो देखो यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। गाड़ी कहाँ लगाए? रास्ता सीधे रास्ता है, मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं है यार। मेरे ख्याल से तो गाड़ी हम यही छोड़ देते हैं, थोड़ा बाहर कर दे इधर मेन पे। भाईजान गाड़ी हमारी चेक कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं छोड़ा तो गाड़ी तो दूर की बात भाई, तो यही लगा दें गाड़ी, आगे तो नहीं जा सकते। इसके अलावा वो जा रहा है बस। अल्लाह ऊपर है ना। ये नीम है ना जी, ये पीपल है तो पुराना। ला भाईजान बनियान भी है किधर? ये अच्छा ये कमीज बना ये सलवार से यार। वो आपने देखा है टैंक, कुआं, पंपिंग स्टेशन, मतलब कभी ऐसा देखा है कि उसकी कोई सीढ़ी ही ना हो, कोई रास्ता ही ना हो? ऐसा मुझे लगता है पहले ना वो लोहे की सीढ़ियां तो बनाई जाती थी। बनाया तो होगा ना, पहले तो कुछ बनाया होगा, तो अब वो खत्म ही हो गई है। जैसे बाहर किसी सवारी का रास्ता नहीं है वैसे ही यहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये निशानी होती है इन मखलूकात के गढ़ की, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, गार, कुआं, तहखाने, जहाँ आना जाना बहुत कम, और यहाँ तो जाना इम्पॉसिबल है। हम यहाँ ये सुनकर आए थे कि इधर आग के गोले नजर आते हैं, खुद ब खुद आग लग जाती है। अब मुझे आप में से ये बता दें, कोई भी जितने देख रहे हैं वो भी, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जमीन पर आग ना हो, साइडों की दीवारों पर आग ना हो और छत जली हुई हो? दिखा दें आप दोबारा, पूरा दिखा दें कमांड।
नीचे से लेके ऊपर तक छत नीचे है ना काफी है और जला हुआ भी है यहाँ से यहाँ से काटा वहाँ से जला जी देखिए जला हुआ है ना इधर चप्पल भी है कपड़े भी है और कुछ छाले कटी भी हैं ये दरअसल कूटी नहीं है कटी है नोट कर रहे अस्सलाम वालेकुम आवाज तो आई थी ये यहाँ भी कुछ जला हुआ है ना हमें अंदाजा है कि आप हमारे आसपास ही हैं हम बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा जाहिर करेंगे खुद को किसी भी शक्ल में अल्लाह खैर करे मुझे लगता है कुछ होने वाला है सर दादा कोई आया तो नहीं है वैसे यहाँ पर जाले बता रहे हैं खानवान भाई क्या नाम है आपका क्या पूरा खानदान बसता है आपका यहाँ पर नहीं करेंगे खुद को जाहिर चल भाई कमाल भाई यार वहां से कौन काटेगा लकड़ी को यार ये देख रहे हैं ये ऊपर तक गया हुआ यहाँ तक ये पूरा टहनी काटी हुई है वो देख रहे हैं ऊपर नोक निकली हुई है इसकी भी उसकी भी वो देखिए दादा ऊपर तक काटा हुआ है ये तो मुसीबत नहीं मोल ली इन लोगों ने अपने ऊपर इसके नीचे ये शाख है हाँ। इसको नहीं काटा वो वहाँ काटा है जाके वो भी काटा है उसको वो देखिए वहाँ काटा अल्लाह यार वहाँ काटा है जाके ठीक हाँ। है इसकी शाखें काटी है छालों ने काटी है क्यों ये भी ताजा लग रहा है ये भी ताजा लग रहा है ये भी ताजा लग रहा है क्यों समझ से बात है और सजर भाई अभी उसको भी काटने की कोशिश की है लेकिन काटा नहीं है ये देखिए रस्सी भी टांगी हुई है रस्सी अंदर दबी भाई जान भाई सुन भाई जी ये देखिए अंदर से रस्सी निकल रही है और से दिखा दो कामरान भाई जी जी मैं ये कैसे हुए तो ड्रिल करके डाली है रस्सी ये यहाँ से निकल रही है कैसे मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा असल में कुछ आवाजें आती हैं लेकिन करीब बाईपास है तो हम श्योर नहीं कह सकते कि वो आवाजें यहीं से आ रही हैं नहीं क्या बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर नहीं करेंगे खुद को क्यों छुप रहे हैं हम सिर्फ मिलने आए हैं आपसे ना कुछ देना है ना लेने की जरूरत है क्या करें चले जाएं हम ये खामोशी
और ज्योतिर्लिंग है ना। यारे दीमके हैं भाई, जाले हैं, हर चीज तो इनकी मौजूद है, यहाँ पे हर निशानी मौजूद है इनकी, फिर क्यों? सुन भाई, अब तक तो बड़ी देर हो गई, हमें हमें तो टिकने नहीं देना चाहिए। जब इतने लोग भाग गए, कोई आया नहीं है, कोई ये बता रहे हैं कि 5 मिनट ही रुका, तो मेरे ख्याल से हमें आए में काफी देर हो गई है। इसको ग्राफ का अच्छा खासा पैर हो चुका। क्या सब ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर, आप नहीं मौजूद? क्या बाकियों की तरह इस प्रोग्राम को भी बंद कर दें, इस शो को भी? मुझे भी उसी लग रहा है, कुछ 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 ऐसा कर नहीं रहे, रुकने का कोई जवाब नहीं है ना, जवाब नॉर्मल नहीं है यार। ऐसी निशानियाँ, इधर आइएगा कामरान पे, सुन लो, इधर आइएगा सर, वो टहनी देख रहे हैं आप? हाँ, वो कोने में बिल्कुल, हाँ, कामरान को शायद जूम करना कामरान भाई, हाँ, इस तक को काटा हुआ है यार, वहाँ तक गया कौन होगा कैसे? नहीं यार ना, अरे यहाँ है, हट, कैसे शुरू हो गया? शुरू है, बहुत तेज कदमों की आवाज आई है, अभी सरदार दस जी का देखने लगे मैं भी। बहुत दूर से आए हैं हम, बहुत सुन कर आए हैं आपका, छोटी सी मुलाकात कर ले हमसे, हमारा तजर्बा कहता है कि आप यहां मौजूद हैं। हमारा तजर्बा कहता है कि आप यहां मौजूद हैं। अब तो हमें भी दिखा दें खुद को। कामन के साथ रहना, दुआएं पढ़ लो भाइयों। जब जानवरों को दिखा सकते हैं खुद को, तो हमें भी दिखा दें बगैर नुकसान पहुंचाए, छोटी सी झलक दिखा दें, हम चले जाएंगे। मतलब आप नहीं है यहाँ पर? पहले कहाँ थे आप? से अब बुलाया है ना आपने? मैं ये जानता हूँ, मानता हूँ कि हम आपको नहीं देख सकते, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप चाहें तो खुद को दिखा सकते हैं किसी भी शक्ल में। पूरी कोशिश कर लें, ड्राइंग पढ़ लो एक बार और, कर तो करें जाहिर। हमें भी करें जाहिर या दूं कोई वास्ता? हमें भी करें जाहिर या दूं कोई वास्ता? कितनी थी कटहरी? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। इस टैंक के अंदर से, इस कुएं के अंदर से हर एक आवाज नहीं ना, अंदर से जहां का रास्ता नहीं है जाने का। तौबा, वाइट हो गए पूरे, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आपके भी हाथ बिल्कुल बर्फ हो चुके जब आपने कहाँ से आई? तेरे पीछे से आई और समझ में आया? पीछे से आई, मेरे पीछे से, इसी जगह से आई। भजन दस भाई, भजन क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? इधर ये क्या है? हाँ, बिल्कुल
भाईजान क्या हुआ? हाँ ये क्या है अरे इधर ये क्या है? हाँ ये चांद सुपर कमाल ऊपर देख ये तो देखा था मैंने कमाल नहीं कमाल अकेले नहीं रुक रुक कहीं कहीं कुआं नहीं ले अल्लाह बस रुक जा रुक अरे क्या हो गया तो देख भाई ये है यही चीज मैंने देखी थी वो इधर ये क्या है? हाँ ये चांद सुपर कमाल ऊपर देख सांस ले दे सांस ले दे कोई बात नहीं सांस ले दे यार और यार वो तो रख कटे नहीं है ओ ऊपर ओ सामने हो ना हो हाथ संभाल कर हाथ संभाल यार हाथ संभाल हाथ संभाल हाथ संभाल पढ़ ले दुआएं पढ़ ले दुआ पढ़ ले यार भाईजान हो ना हो हमारा आइडिया हमारी सोच खोज बिल्कुल ठीक थी जो टहनियां काटी नहीं है ना ठीक उसके पास वो मखलूक थी हाँ बिल्कुल मैंने भी देखा वहाँ अब क्या वो इसके पीछे थी या इसके ऊपर थी मुझे तो पीछे लगी इसको उसका वजूद किया ना सिर्फ इतना नजर आया मुझे ये शोल्डर और आधा चेहरा नजर इसके पीछे हाँ मतलब इसके ऊपर या हवा में यार यहाँ देखा मैंने था जो इस कोने के ऊपर मैंने उसके ऊपर देखा है वो नहीं है वो जो टहनी कटी हुई है हाँ 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 ये दरख्त कटा हुआ है हाँ मैंने यहाँ देखा अब क्यों नहीं भौंक रहे जानवर तो उस वक्त जानवरों को सुना था जी जी बिल्कुल तो नजर आ रहे होंगे यस यस ये देख लेते हैं इस मखलूक को इधर ये क्या है हाँ कमाल ऊपर देख कैसे भौंक रहे थे कैसे चीख रहे थे अब कहाँ है वो आवाजें खामोश हो गए सन्नाटा हो गया फिर वही वाली पुरानी वाली कैफियत हो गई सर भाई कुछ चमक रहा था हाँ कुछ चमक रहा था जानवर था भालू था बनमानस था क्या अजीब सा चेहरा था उसका लंबा सा लेकिन आपने सही बोला था जब भाई जैसे कोई तूफान आने से पहले सन्नाटा लगता है अभी भी यही हो रहा है अभी भी वैसे ही हो रहा है मुझे चलो मुझे अभी इसके पीछे से आवाज आई अभी इसके पीछे से आवाज आई यहाँ पर किसी ने जंप किया ऐसा लगा यस और अभी जानवर भाग रहे यार अभी है कोई ये जाले हैं भाईजान ये जाले हम दे गेट पर जाले रिकॉर्ड कीजिएगा जाले देख रहे हाँ हाँ है ना क्या नाम है आपका किस कबीले से हैं आप मैं ऊपर नहीं आ सकता आपकी जगह पर नहीं आ सकता लेकिन मुझे अंदाजा है कि शायद यहां से गलती हुई है क्या आप आपका घर था ये दरख्त ये शाख ये टहनी क्या यहां से किसी को नुकसान पहुंचा है ये हो ना हो सोहेल भाई किसी साहब ने इनको खत्म करने की कोशिश की है इनके घर को काटने की कोशिश की है इतनी ऊपर जा सकता है जैसे हमें कहीं गोलियों के निशान मिलते हैं ना हाँ हाँ दीवारों में घुसे हुए गोलियों के निशान कोई बंदे को नहीं लगी हुई दीवारों में घुसी हैं हाँ। जैसे हमें कई जगहों पर दरख्त काटने के बाद के नुकसान का अंदाजा बताते हैं लोग इसी तरह नीचे कहीं कोई काटने का लकड़ी के ऊपर जाके लकड़ियों को काटा गया यार वो देख ले ये देख ले वो देख ले और मैंने आपको इतना आगे भी दिखाया बिल्कुल कोने में हाँ जहाँ इंसान जाए तो गिर जाए काफी ऊंचा है वो और इस जगह पर कोई इंसान लकड़ी काटने क्यों जाएगा क्यों काटेगा उस जगह पे लकड़ी को
बगैर मकसद तो काम नहीं किया होगा। अब बात यह भाईजन, इतने सालों में यहाँ पर क्या हुआ है, क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है? आज तो कोई हमसे बात भी करने नहीं आया। नहीं बताने नहीं, 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 नहीं। गाड़ी कब से हम चक्कर काट रहे हैं यहाँ के, कोई रुका नहीं यार। यार सुहेल भाई, कामरान भाई, अभी तो हमने नाम नहीं लिया था, अभी तो आज तक कभी नौबत नहीं आई कि हमने किसी का वास्ता दिया हो। और जिनका वास्ते का दिया जाता है, जिनका नाम लिया जाता है, शुक्र हमने वो नाम नहीं लिया अभी तो। ये तो पता नहीं पूरा जंगल ही जाग जाता भाई, और अटैक हो जाता यार, चारों तरफ से हमला हो जाता हम पे। हमें भी करे जाहिर या दू कोई वास्ता। भाई भजन, क्या हुआ? ये क्या है? इधर ये क्या है? हाँ कमाल ऊपर देख। कहना सुनना बड़ा आसान है दादा, इनको वास्ता देना बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इनको देखना बड़ा मुश्किल यार। गूंजी आवाज, गूंजी ना जी, नीचे से आइए आवाज, गूंजी नीचे से आइए। नहीं उस तरफ से, उस तरफ से आइए, उस तरफ से आइए, कुएं से आइए, कुएं से आइए, अंदर से आइए, अंदर से आइए। अल्लाह अकबर, इतनी देर से हम तलाश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। जानवर रो रहे हैं। हाँ अब भौंक नहीं रहा, कामरान साथ है जी, कुछ रो रहे हैं। हाँ अंदर से आइए, अंदर से आइए। अल्लाह अकबर, इतनी देर से हम तलाश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। जानवर रो रहे हैं। हाँ अब भौंक नहीं रहा, कामरान साथ है जी, कुछ रो रहे हैं। हाँ अब रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुहेल भाई, भाई जान, ये है असल जगह। हम तो उन दरख्तों को देख के परेशान हो रहे थे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जाले चेक कीजिएगा। अल्लाह, ये है मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे भाई, आते ही मैंने सबसे पहले पीपल का दरख्त, पीपल का, पीपल का। सुहेल भाई हाँ, ये पीपल, वो पीपल, वो भी पीपल, वो पीपल, वो पीपल, एक दो तीन कोने, वो दाखिली पे पीपल भाईजान, अंदर पीपल। यार ये कामरान भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ये जेले कहाँ थे यार, क्या हमसे मिस हो गए पहले? ओए होए सुहेल भाई, ये जगह है, ये जगह है जिसका रास्ता ही नहीं है। नहीं ये जाले, ये टैंक के ऊपर जाले। ओ यार सर, मुझसे कैसी गलती हो गई है यार, ये है वो जगह जहाँ रास्ता नहीं है। वही ना तहखाने, कुएं, वही तो है। वो पीपल, वो पीपल, एक दो तीन कोने, वो दाखिली पे पीपल भाईजान, अंदर पीपल। यार ये कामरान भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ये जेले कहाँ थे यार, क्या हमसे मिस हो गए पहले? ओए होए सुहेल भाई, ये जगह है, ये जगह है जिसका रास्ता ही नहीं है। नहीं ये जाले, ये टैंक के ऊपर जाले। ओ यार सर, मुझसे कैसी गलती हो गई है यार, ये है वो जगह जहाँ रास्ता नहीं है। वही ना तहखाने, कुएं, वही तो है। ये है 100 साल पुराना सुहेल भाई, और वो पीपल का दरख्त। पौधा दरख्त है, क्या है ये निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है कामरान भाई। सुहेल भाई, सक्कर हवेली की तीसरी मंजिल पे था ये, ऐसी जगह पे इसका होना मतलब जैसे उनकी रहाइश गाह या उनकी आमाज गाह है। कोई रास्ता नीचे जाने का? देखो यार, कहाँ से जाएंगे सर, यहाँ से देखो, कोई नहीं है यार, रास्ता दिख रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, 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 बस। वो क्या है इसके नीचे? कामरान इधर आए, कुआं है ये,
यार मैं तो ऊपर से रिकॉर्डिंग की है मैंने कामरान ने जाके कुआं है सिर्फ कुआं सिर्फ कुआं है कुएं में गए यार बहुत गहरा है यार हजारों फीट नीचे है वो कुएं में गए गए वो उन्हीं का ही है रिकॉर्ड हुआ है जी जी हां अस्तगफुरुल्लाह भाई मतलब वो हमारे आंखों के सामने कुएं में गए बिल्कुल वहीं से आए थे वहीं चले गए वो वहीं से आए थे वहीं चले गए कमरान कोई रास्ता नहीं कहां से कुआं कहां है कुआं कहां है कुआं कहां है यह चीज कुआं कहां है कुआं यार ये ना ये ऊपर से आप देखिए ना ऊपर से पूरा ये सारा रिकॉर्ड कर गया यार मैं ये है रिकॉर्ड में यार रिकॉर्ड कर गया कमरान भाई जी भाई देखना देखना सुन भाई लाइट दे क्या कुआं ओए पीछे 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 कमाल यार पहले भी मुझे पता वो बिल्कुल कच्ची दीवार है यार क्या है कुआं कुआं है वो बहुत गहरा है लाइट दे कमाल भी नीचे से नजर आ रहा है एक सेकंड बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह संभालना दोनों चीजें संभालना भाई है जी सर वो आगे 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 से वो एक ही पूरी पत्ती है ये यूं पत्ती है एक ही है अभी पानी बढ़ रहा है सजाद भाई पहले बहुत नीचे था पानी बढ़ रहा है जी अभी जाले ही जाले और आ गए हैं देखें जाले हैं जी सजाद भाई इधर भी जाले जी जी ये सामने देखें कितने मतलब सारे जाले इधर भी रास्ता नहीं है जी कहीं है यार इतना सा हॉल है सिर्फ छोटा सा यार जाले इधर भी अच्छा आओ रास्ता कुछ जाने का नहीं कोई बंदा जा सकता नहीं सजाद भाई जा सकता नहीं जाले जी जी जाले यार माई गॉड ये जाले हैं दरवाजे पे सुल भाई एक काम हो सकता है कामरान मैं यहाँ से अगर आप मेरा हाथ पकड़ो ना तो लटक के इसके ऊपर रखा जा सकता है नहीं 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 कोई बात ही नहीं करनी यार क्या हो गया देखिए मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान यार नीचे उतरने के बाद नुकसान भागेंगे कहाँ नहीं भाग देखे अब तक पहुंचाना होता पहुंचाते तो सुल भाई माशाल्लाह से भाई यहाँ से तो उतरना मुश्किल है चढ़ने चलेंगे कहाँ से यार वो दीवार पकड़ के चढ़ सकते हैं क्या नहीं तो सारे सारे कर रहे हैं यार सारे नहीं जाते हैं ना दो लोग जाते हैं यार दो लोगों को फिर निकालेगा कौन है अकेला आदमी जो तीसरा इस जंगल में किसको लाऊंगा मैं जो तीसरा ऊपर होगा जैसे आप ऊपर है ना आप खींच लेंगे अगर इतना मौका भी नहीं दिया फिर दादा बात ये है अभी तक यार दादा ये अजीब बात कर रहे हैं यार आप उस मतलब इस कुएं में जाने की बात कर रहे हैं मैं खुदा ना खास्ता उसके अंदर नहीं जा रहा मैं कह रहा हूँ देखे अभी तक नुकसान पहुँचाना होता ना पहुँचा देते दादा इन्होंने आपकी हर बात रखी है मानी है जो जो आपने चाहा जैसा जैसा आपने कहा हमने कभी सोचा नहीं था और आपको दाना डाल दिया है कि आप नीचे आ जाएं फिर भाग के निकाल के दिखा दें यार पहले जख्मी हम गिर पड़ चुके हैं पैर वैसे ही काम नहीं कर रहे तीनों गिर गए ये तो रिकॉर्ड हुआ नहीं ना हमारे पास अच्छा ऐसा करते हैं सिर्फ यहाँ तक मैं अंदर नहीं जाता सुने मैं अंदर नहीं जाता वो तो जाले लगे हुए जा भी नहीं सकते मैं सिर्फ यहाँ उतर के देखता हूँ ये देखें ये है ना ये पिलर भाई बहुत नीचे है बात खबर नहीं आ रही है आपकी नफ्सियात क्यों नहीं काम कर रही है अगर आप भी चले जाते हो तो पीछे एक और जाएगा ना आपके नहीं 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 जाएगा मैं यहाँ पिलर पे उतरता हूँ आपसे कैमरा लेता हूँ और यहाँ से वहाँ जाके ना इसको फ्रंट से रिकॉर्ड यार मैं गारंटी देता हूँ ये दलदल है यार ये दलदल है उधर उतर ही नहीं रहे ये पिलर है ना कॉलम जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है ना दलदल है यार ये उधर दलदल है उधर उतर ही नहीं रहे ये पिलर है ना कॉलम जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है ना देखे ना यार आप वो उनका डाला हुआ वो चारा है किसी तरीके से नीचे उतर जाए नीचे की चीज है इन्वेस्टिगेशन करने जाए उसके बाद बाहर कोई नहीं आएगा भाई नहीं नहीं दादा अगर करना होता क्या यार दीवारों का साइज तो देखें यार देखें ये ब्लॉक है ना इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के ना नहीं बस अहम बस 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 अगर भाई अभी बस अभी तो आवाज थी अभी सिर्फ आवाज थी मौजूद नहीं था पता नहीं सफेद क्या नाम हाँ नाम सफेद सवारी सारी पता नहीं कुछ यार देखिए ये ब्लॉक है ना
इसके ऊपर ना ऐसे पांव रख के ना। नहीं, नहीं। हमें भी करें जाहिर या दूं कोई वास्ता। सर भाई भजन क्या हुआ? ये क्या है अरे? इधर ये क्या है? कहाँ कमर ऊपर देख। अस्तगफुर अल्लाह अस्तगफुर अल्लाह।